अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रईस इंटरटेनमेंट की जानिब से मकबूल अहमद बरफत आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने शोबिज़ के हवाले से शोबिज़ से वाबस्ता शख्सियात का इंटरव्यू लेने का एक सिलसिला शुरू किया है कुछ अरसे से, जो आप गाय बगाय देखते रहते हैं, और इसी सिलसिले की एक कड़ी आज हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नेवल सर्विस में एक तवील अरसा गुजारा और शोबिज़ राइटिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मोतबर नाम, खुद लिखारी भी हैं, मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम भी लिखते हैं, शोबिज़ के हवाले से अच्छी खासी मालूमात भी रखते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं, और इनके बारे में मालूमात लेंगे, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख लियाकत जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और जो इंटरटेनमेंट ग्रुप है, रईस इंटरटेनमेंट ग्रुप, उनका शुक्रिया कि आज आपने हमें मदऊ किया अपने इस चैनल के लिए। बहुत शुक्रिया मुफ़्ज़ल साहब। थोड़ा सा आपके बारे में पहले मालूमात कुछ आप अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि सर कहाँ आपका जन्म हुआ और फिर बचपन आपका कैसा गुजरा और कहाँ गुजरा? जी मकबूल भाई, ये सूबे सिंध का एक तारीखी शहर है, हैदराबाद, वहाँ हमने जन्म लिया था 19 दिसंबर 1958 को, और वहीं पे मेरा बचपन लड़कपन और जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल की एजुकेशन वहीं हैदराबाद शहर के गवर्नमेंट नूर मोहम्मद हाई स्कूल से मैंने हासिल की, और जुलाई 1974 में मैंने इम्तियाजी नंबरों से फर्स्ट क्लास डिवीज़न में मैट्रिक साइंस के साथ पास किया। और उसके बाद मेरे एक बड़े भाई थे अल्लाह गरीक रहमत करें, शेख जमील अहमद, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड पाकिस्तान नेवी जी, वो अब दुनिया में नहीं है, तो उनकी ईमा पर उन्होंने कहा कि यार लियाकत, तुमने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक किया है साइंस डिवीज़न के साथ, तो क्यों ना तुम्हें पाकिस्तान नेवी में जो है वो शामिल किया जाए एज एन अप्रेंटिस। वो कहते हैं मकबूल भाई के अंधा क्या चाहे दो आंखें, और फिर वालदा मरुमा ने भी कहा कि भाई आपको लेने आए, तो फिर मैं भाई के साथ कराची आ गया, और 18 दिसंबर 1974 वाज माई फर्स्ट डे इन पाकिस्तान नेवी एज एन अप्रेंटिस, तो मैंने नेवी को ज्वाइन किया। अच्छा, नेवी को ज्वाइन किया। अच्छा, पाकिस्तान नेवी में भी आपकी खिदमात को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं जो मेरी मालूमात है उस हद तक, एक तो आपने शिप पर अपनी सर्विस की और उसके बाद फिर आपने एक इंस्ट्रक्टर की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से नेवल एकेडमी में भी खिदमत दी, उस बारे में कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन? जी मकबूल भाई बिल्कुल, 18 दिसंबर 1974 से लेके और 18 दिसंबर 2018 ये वो पीरियड है जो मैंने पाकिस्तान बेरिया में गुजारा, और इसमें जो इब्तदाई 28 साल हैं वो एज ए यूनिफॉर्म पर्सन, और बाकी मादा जो 16 साल हैं आखिरी के वो एज अ सिविलियन इंस्ट्रक्टर इसी शोबे के अंदर पाकिस्तान नेवी में गुजारे। तो असल में जब मैं अप्रेंटिस आया पाकिस्तान नेवी में, तो मेरी जो मदर यूनिट जो मुझे मिली वो थी PNS कारसाज शारा फैसल पे। अच्छा। और मुझे अप्रेंटिसशिप में जो ट्रेड मिला वो था मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेड, तो मैं पास आउट हुआ PNS कारसाज से जुलाई 1979 में एज ए फिफ्थ इंजीनियर, वहाँ से पास आउट हुए, और मुझे जो पहला वार्शिप मिला वो PNS आलमगीर था। अच्छा, फिर मैं आलमगीर पे रहा, शाहजहां पे रहा, टीपू सुल्तान शिप पे रहा, बाबर पे रहा, और इस तरीके से प्रोमोशन मेरी होती रही, और मेरी जो आखिरी प्रोमोशन हुई थी वो थी एज ए CMEA, चीफ मेरीन इंजीनियरिंग आर्टिफिसर। तो नेवल ड्राफ्टिंग अथॉरिटी कभी मुझे शिप पे भेज देती, कभी मुझे साहिल पे भेज देती, और साहिल पे मैं कभी PNS कारसाज में आ जाता था जो मेरी मदर यूनिट थी, और PNS कारसाज में दो तीन चार स्कूल हैं, उसमें एक स्कूल है ME स्कूल, मेरीन इंजीनियरिंग स्कूल, तो वहाँ पर भी मैंने खिदमत अंजाम दी, मैं पढ़ाता रहा अपने ट्रेड के बारे में, इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। और इसके अलावा उसी PNS कारसाज में एक और स्कूल है NBCD एंड फायर फाइटिंग स्कूल, यानी कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड फायर फाइटिंग स्कूल, तो वहाँ पर भी मैंने ये पढ़ाता रहा NBCD और फायर फाइटिंग नेवल अफसर्स को, CPS को एंड सेलर्स को। तो इस तरीके से 28 साल जो है गुजरे मेरे शिप के ऊपर,
और कुछ अरसा मैं शिप से फिर दोबारा खुशकी पे आ जाता था। और जब मैं रिटायर्ड हुआ हूँ प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म सर्विस से जुलाई 2002 में, और LPR पे था, 12 महीने की LPR पे था, मैंने बामुश्किल से 3.5 माह उतारे, तो मुझे नेवल हेडक्वार्टर से वो कॉल आई कि हम आपको दोबारा नेवी में लेना चाहते हैं, अपग्रेड करके लेना चाहते हैं। मैं 16 ग्रेड में रिटायर्ड हुआ था और मुझे फिर से पाकिस्तान नेवी ने अपग्रेड करके बेसिक पे स्केल 17 में दोबारा लिया एज एन सिविलियन इंस्ट्रक्टर। और मैंने एज अ सिविलियन फिर इसी पाकिस्तान नेवी को 10 जनवरी 2003 को दोबारा ज्वाइन किया। वेल डन जी, बड़ी खिदमत है आपकी। अब एक बात जहन में आती है शेख साहब कि एक नेवल ज़ाहिर फोर्सेस का इदारा है और वो सर्विस एक अपनी तरफ है, और ये शोबिज़ जो है बिल्कुल दो मुतजाद चीज़ें हैं, तो ये शोबिज़ की तरफ रुझान कैसे आपका? जी ये इत्तेफाक कह लीजिए या कुदरती तौर पे था कि पाक भारत जब जंग हुई 6 सितंबर 1965 को इंडिया पाकिस्तान की माबेन, तो उस ज़माने में मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे घर के नज़दीक एक स्कूल है जो अब हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया है, सेठ हाफिज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उस ज़माने में, फिर वो हाई स्कूल बना, अब वो कॉलेज बन गया है, फुलेली नहर के साथ बना हुआ है, बड़ी खूबसूरत इमारत है। तो प्राइमरी एजुकेशन के दौरान एक उस्ताद आया करते थे सरकारी तौर पे, जो हफ्ते में एक पीरियड म्यूज़िक का लिया करते थे, लंबे एक दराज कद के थे, और सिरे घाट हैदराबाद के इलाके में उनका घर था, और रेडियो पाकिस्तान के स्टाफ आर्टिस्ट थे, गुलकार थे वो, तो वो आते थे और हर क्लास में एक पीरियड लिया करते थे। तो क्योंकि जंग का ज़माना था तो वो पहले तो खुद गुनगुनाते थे कौमी नगमात, अस्करी नगमात, मैं या तो फर्स्ट रो में होता था या सेकंड रो में होता, इत्तेफाक से मकबूल साहब मेरी आवाज़ थोड़ी सी सब में बनद हो जाती थी, बेस में थी शुरू से मेरी आवाज़। तो एक दिन वो आया कि उन्होंने मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया और एक नगमा उन्होंने गाया, खिताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, शहरियों को गाजियों को शह सवारों को सलाम, कहने लगे कि लियाकत गाओ, मैंने गा दिया सर। और फिर वो दिन उसके बाद जो असम्बली सुबह होती थी तो उस असम्बली में मुझे खड़ा कर दिया जाता था, कभी मैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इस तरीके से ये शौक परवान चढ़ा। और पहली फिल्म का अगर आप पूछते हैं तो वो सब पूछेंगे आपसे, डायरेक्टर अल हामिद साहब की आंचल है, मेरे भाई हैं शेख इमामुद्दीन साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल माशाल्लाह से हयात हैं, हैदराबाद लतीफाबाद में रहते हैं जी जी। तो वो मुझे एक दिन ले गए इलाइट सिनेमा मार्केट के इलाके में हैदराबाद में, तो वहाँ पे आंचल लगी हुई थी, वो मैं समझता हूँ मेरी लाइफ की पहली फिल्म है, 1964 के एंड में देखी थी, सेकेंड रन पर लगी थी वो गालबन, तो उसमें एक नगमा गूंजा हिमायत अली शायर साहब का लिखा हुआ, खलील अहमद का कंपोज करता और सैयद अहमद रुश्दी का गाया हुआ, गुनगुना दीजिए जरा। किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो, खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो। तो वहाँ से ये फिल्म बीने का शौक़ ऐसा परवान चढ़ा कि जब तक मैं रहा वहाँ हैदराबाद में नेवी को ज्वाइन करने से पहले, तो मेरे घर के नज़दीक दो सिनेमा घर हुआ करते थे, कैसर सिनेमा और नूर महल सिनेमा, करीब करीब हैदराबाद की बात, हैदराबाद की। तो जब भी मौका मिलता तो टुल्ला मार के अम्मी को अम्मा को दिन देके छोटे भाई अय्यूब के साथ जाके फिल्म देख लिया करते थे कैसर में, यानी इतना फासला था कि सीढ़ी से नीचे उतरे और सामने सिनेमा घर, और ब्रेक में दोनों भाई एक्टिंग करते हुए ऊपर चढ़ते, अरे किधर थे तुम दोनों, अम्मा नीचे खेल रहे थे, और फिर पानी वानी पी के फिर वही, और यार अभी इंटरवल के बाद में वाली देखनी है, तो इस तरीके से फिर वो इंटरवल के बाद भी हम जाके फिल्म देखा करते थे। तो ज़्यादातर जो फिल्में देखी वो कैसर और नूर महल में देखी, अब वो दोनों मसमार किए जा चुके हैं, वहाँ पर प्लाजा बन गए। तो इस तरीके से सर फिल्म बिनी आंचल से शुरू की और जो ताहाल जारी है, और आखिरी जो अब तक की जो फिल्म देखी है वो मैंने हफ्ते को देखी थी कुंडी ना खड़कर। चले जी, अब फिल्मों की बात हो रही है तो चले, आपने खुद ही इस जिक्र को छेड़ दिया तो उसमें आपकी पसंदीदा फिल्मों की बात हो जाए। बबू भाई एक ऐसा सवाल है कि इसका मैं तसली बख्श जवाब नहीं दे सकूंगा, बात यह है कि मैंने मुतअद्दिद फिल्में देखी हैं और अक्सर फिल्में ऐसी हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जहाँ हैं और जैसे हैं कि बुनियाद पर,
मोहम्मद अली साहब की, ज़ेबा की, वहीद मुराद साहब की, शमी मारा की, हबीब साहब की, दीबा की, अक्सरियत ऐसी फिल्मों की है, सादा दो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की, कि उन फिल्मों को देखकर मैंने ज़िंदगी की तरतीब सीखी, अरे वाह, अंदाज़े ज़िंदगी अच्छा सीखी, नशिस्त व बरखास्त सीखी, उठना बैठना सीखा, सही, इखलाक सीखा, तरबियत सीखी, ऊंच नीच सीखी, उर्दू किस तरीके से बोली जाती है, अदब लिहाज कैसे किया जाता है बड़ों का, छोटों से प्यार कैसे किया जाता है, इन फिल्मों से मैंने सीखा। बड़ी बात, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर मैं आपको नाम लेना शुरू कर दूँ उन फिल्मों का तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका प्रोग्राम। अच्छा, आप क्योंकि आपने पसंदीदा फिल्मों के बारे में पूछा है तो कुछ ना कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा। चलिए यूं कर लेते हैं सवाल को, आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अरे अल्लाह, फिर ये एक ऐसा सवाल है कि इसका भी जवाब अच्छा। मुतअद्दिद फिल्में हैं, मुतअद्दिद फिल्में, सिया दौर की फिल्मों के अंदर ऐसी इंतजार 1956 में जब वो नकले मकानी करके, हाँ इंतजार, हालांकि सेकंड थर्ड रन में हमने देखी है, ये तो हमारी पैदाइश से दो साल पहले आ गई थी, तो मसूद परवेज साहब की डायरेक्शन और फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का म्यूजिक दिल को वो टच करता है। और फिर आंचल का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ, सदाबहार नगमा, सारे नगमे हिमायत अली शाहिर भाई थे। हाँ, हाँ। और फिर मुझे तो ये शर्फ हासिल है कि मैंने निगार वीकली के लिए तकरीबन 3 घंटे पे मुश्तमिल मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था उनके घर के ऊपर, जो मेरे घर के नज़दीक ही शाहफजर कॉलोनी में, 2011 की बात है। और असलम रशीदी भाई ने वो पूरे का पूरा मेरा इंटरव्यू जो मैंने हिमायत अली शाहिर भाई का किया था 2 सफ़े पे लगाया था। तो बड़ी यादें हैं सर, और पुरानी फिल्मों के अंदर लोरी हिमायत भाई की मुझे बहुत अच्छी लगी है, उसके नगमात। खुदा बंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने। इंसान और आदमी, ब्लैक एंड वाइट दौर की, और फिर रंगीन फिल्मों के अंदर नाइला ने बड़ा मुझे मुतासिर किया, ख़ास तौर से जब वो आखिरी टच जिस तरीके से मैडम शमी मारा चली जाती हैं अल्लाह ताला के पास वो कुछ खा के, और वो जो अदाकारी उन्होंने की है, और दूसरी जानी वो नगमा बज रहा होता है कोई प्यार का फसाना जाके गोरी को सुना, लाजवाब। तो फिर आप वो सीन देखें शमी मारा का, अब वो फुकदान है इन तमाम चीज़ों का, और हम ये कहेंगे मकबूल भाई कि शाहकार जो तकलीफ हो गए वो हो गए, शाहकार कभी कभी तकलीफ होते हैं। क्या आप कुछ तसव्वुर कर सकता है मसूद परवेज की हीर राजा बनाने का? क्या आप कोई तसव्वुर कर सकता है मसूद परवेज की हैदर अली बनाने का? क्या कोई आप तसव्वुर कर सकता है मसूद परवेज की इंतज़ार बनाने का? क्या कोई तसव्वुर कर सकता है परवेज मलिक की अरमान बनाने का, एहसान बनाने का, दोराहा बनाने का? हाँ, क्या कोई तसव्वुर कर सकता है? असल में पहले जितने भी मुख्तलिफ शोबों की जो हमारी फिल्मी शख्सियात थी वो सर जोड़ कर बैठती थी, बाकायदा प्लानिंग के तहत राइटर्स हजरात को बुलाया जाता था, नगमा निगारान को बिठाया जाता था, सिचुएशन बताई जाती थी। अब आजकल क्या है कि अचानक ही 2.5 घंटे की फिल्म में 6-7 मकामात पे फिल्मी नगमात आ जाते हैं अचानक ही, कि जिनका कोई रब नहीं होता कहानी से, और फिर वो नगमात ऐसे होते हैं बुरफत भाई, ये मेरा मुशाहिदा है, जी जी, नगमात ऐसे होते हैं कि आग बन के उनको सुन लीजिए, देखने वाली शे नहीं है मुसीकी जो आजकल रह गई है ना फिल्मों में, वो देखने वाली नहीं है, सुनने वाली। ये तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मारूफ हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब ने एज ए फिल्म स्टार, हम समझते हैं कि ये वाहिद फिल्मी शख्सियत है वहीद मुराद साहब, अल्लाह करी करे मत करे, कि उन्होंने एज ए अदाकार होते हुए फिल्म आर्ट्स के बैनर तले 1 दर्जन के लगभग फिल्में तो बनाई। जब उनकी पहली फिल्म अनाउंस हुई मस्ताना माई, जो मैंने अखबार में पढ़ा, उन्होंने खास तौर से पहली पंजाबी फिल्म मस्ताना माई, अखबार में मैंने पढ़ा, बाकायदा निगार में जिक्र रसैलो जराइद में बुरफत भाई, कि उन्होंने हाजी काजी साहब को बाकायदा कराची बुलाया, जबीस होटल में ठहराया, मुसीका नज़ीर अली को बुलाया, जबीस होटल में ठहराया, उनको एम्पल टाइम दिया, काफ़ी टाइम दे के चलिए और ये सिचुएशन ये कहानी है। फिर आपने देखा कि मस्ताना माही का जो म्यूज़िक है नज़ीर अली का, ज़बाने ज़दे आऊँ हुआ गली गली गूंजा, और उसके सिले में निगार पब्लिक अवार्ड जूरी ने
1970 या 1971 में बेहतरीन पंजाबी फिल्मों के मुसीकार का अवार्ड नजीर अली साहब ये को एक मिसाल आपको दी है। अब मैं आपको शबाब किरानवी साहब की मिसाल देता हूँ। शबाब किरानवी साहब सर हाफिज़े कुरान थे और वो बर्मला कहते थे। मैंने खुद उनको सुना कि मैं हेयर ड्रेसर का काम करता था। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जहाँ हैं जैसे उनकी आप ब्लैक एंड वाइट दौर की फिल्में सुरैया से उन्होंने एज ए डायरेक्टर आगाज़ किया और फिर उससे पहले आप देखें उनकी फिल्में जलन देखें, ठंडी सड़क देखें, एज ए फिल्म साहब तो मुनफरिद फिल्में हुआ करती थी और वो मेहनत करते थे। टीम बना ली, अक्काश को बुला लिया, शायर को बुला लिया, मुसीकार को बुला लिया, चलो भाई काम करो। सही, ये पलक झपकते में काम नहीं होता था पुराने ज़माने में, जो आजकल भीड़ चाल चली हुई है, भागे जा रहे हैं और आपको और मुझ जैसे फिल्म बीन को क्या मिल रहा है। हम फिल्म देख के निकलते हैं, आप यकीन जानिए कि घर पहुंचने तक हमें नहीं पता चल रहा कि नगमा कौन सा सुना था। अच्छा, आपने अभी वहीद मराज साहब की बात की तो क्यों ना आपके पसंदीदा अदाकारों के हवाले से भी कुछ आप हमें बता दें। मुझे वहीद मराज साहब ठीक है, मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब, मतलब पर्टिकुलरली ये तीन शख्सियत। और अदाकारों में शमी मारा जेबा शबनम। अच्छा, और डायरेक्टर्स की बात की जाए तो मसूद परवेज मलिक साहब को तो मैं कह सकता हूँ कि परवेज मलिक साहब में सर एक खूबी थी, मंजरनामा उस पर बड़ी तवज्जो देते थे। उनकी सब आप फिल्में देख लें, हीरा और पत्थर उनकी पहली फिल्म है ना, हीरा और पत्थर, फिर अरमान, तमाम फिल्मों का जो मंजरनामा उनके ऊपर वो कमांड रखते थे मंजरनामे के ऊपर। आप देखें सौगात देखें जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने नदीम साहब को लिया जी हम ये दिसंबर 1970 की, और इसे हमने सर ईद वाले दिन देखा। पूरी फिल्म में नदीम साहब नहीं मुस्कुराते, कहानी ऐसी थी, मुकालमे ऐसे थे मसरूर अनवर साहब के। आप देखें ना, मसरूर अनवर साहब नगमा निगार भी हैं, मसरूर अनवर साहब कहानी नवीर भी हैं, मसरूर अनवर साहब मुकालमे भी लिखते थे। यही खूबी फैयाज आशमी में, फैयाज मी साहब ने ज़्यादातर तो नगमात लिखे लेकिन बाद फिल्मों में उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, बाद फिल्मों के उन्होंने नगमात भी लिखे। तो ये हमारे शख्सियत थी सर, काम करते थे अपने अपने। बिल्कुल। अच्छा, आप खुद भी बहुत माशाल्लाह बहुत सुर में गाते हैं, बहुत शौक से गाते हैं और लोग बड़े शौक से सुनते भी हैं, और पाकिस्तानी म्यूज़िक के हवाले से भी आपकी बहुत मालूमात हैं। तो बात की जाए नगमा निगार और मुसीकार हजरात, तो उस पर भी चंद जुमले अगर आपकी तरफ से आ जाएं। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जब हम इब्तदाई दौर का जायज़ा लेते हैं और उसमें सिंगर भी शामिल जी, तो उसमें दाऊद चांद साहब का नाम हमेशा रहेगा कि वो तेरी याद लेकर आए और तेरी याद में कतिल शिफाई के नगमात, कतिल शिफाई सीनियर मोस्ट और फिर रजा मीर उसके अक्कास, ठीक है। नगमा निगारान की सर बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो मानवियत, जो शहरियत जिन नगमा निगारों में हमने महसूस की और जो मुशायरों में भी शिरकत करते थे पाकिस्तान में भी और बाहर भी बुलाए जाते थे, कतिल शिफाई, तनवीर नकवी साहब, सैफुद्दीन सैफ साहब, हिमायत अली शाहिद साहब, तो और तुफेल होशियारपुरी साहब वो भी मुशायरों में जाया करते थे, और बहुत से ऐसे नाम हैं नगमा निगारान के, मसरूर अनवर साहब भी, ठीक है, और तस्नीम फादी साहब भी। तो ये वो नगमा निगारान हैं जिन्होंने गनायत से भरपूर नगमात लिखे फिल्मों के लिए, और फिर जो मुसीकारान उनको मैसर आए उन्होंने पूरा हक किया उनके लिखे हुए नगमात के साथ। और एक ज़माने में देखा कि जो नगमात उनके लिखे हुए, जो तरतीब उनकी म्यूज़िक होती थी मुसीकारान की, और वो जो नगमा सच के आता था, क्या बात, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अच्छा, लिखाने का भी आपका सिलसिला है, वो भी काफ़ी पुराना है, मुख्तलिफ अखबारात मेरे साथ में आप लिखते रहे हैं शोबिज़ के हवाले से, कुछ उसके बारे में आगाह करें हमें। देखिए बात यह है कि जब मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म सर्विस से मेरी ख़त्म हुई तो आई वॉज इंटाइटल टू राइट द न्यूज़पेपर, तो एक प्रोग्राम हो रहा था सर आर्ट कंसर्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान फिल्म कसौटी के हवाले से, और ये मुश्तरक तौर पे मलिक यासूब जमाल साहब की टीम आई हुई थी
आर्ट काउंसिल में और मरहूम बशीर अहमद मियो साहब, इन दोनों ने मिलकर प्रोग्राम किया। मुझे निगार से पता चला कि प्रोग्राम होना है, हमारे हैदराबाद के प्यारे दोस्त मलिक यूसुफ जमाल साहब और अल्लाह गरी का रहमत करे बशीर अहमद मियो साहब, तो उन दोनों ने एक प्रोग्राम किया बड़ा शानदार ग्राउंड फ्लोर के अंदर आर्ट काउंसिल पाकिस्तान कराची में, तो वो मैं देखने चला गया। उस वक्त निगार के किसी राइटर से मेरी कोई वाकफियत नहीं थी, ना मैं किसी को जानता था, ठीक है ना, क्योंकि उस ज़माने में जो मजामीन छपते थे मकबूल साहब, तो मजामीन के साथ मकबूल निगार की तस्वीर नहीं लगती थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं उस प्रोग्राम में चला गया और हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा सरदार सम्राट मरहूम, बहुत अच्छे मेज़बान थे, निज़ामत करते थे, तो वो प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे, पब्लिक राउंड शुरू हुआ, तो मैं जहाँ बैठा हुआ था उन्होंने जो सवाल किए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 10 सवाल ऐसे थे जिसके जवाब किसी को नहीं आ रहे थे। मैंने हाथ उठा दिया, मैंने उनके जवाब दिए, और इसका गवाह आबिद बशीर भी है, खुर्रम जुनेद भी है, मरहूम ख्वाजा सुहेल अहमद भी है, रफीक माइकल भी है, जिनको मैं नहीं जानता था उस ज़माने में, ये बैठे हुए थे, और मलिक यूसुफ जमान साहब खुद भी, बशीर अहमद भी, तो चले गए दुनिया से। तो बराबर वाली सीट पे काफ़ी सारे तहाइफ मेरे जमा हो गए, जिसमें चूड़ियाँ भी थी, आडियो कैसेट उस ज़माने में अच्छा खासा, फिर किसी साहब ने मुझे शॉपर दिया, उसमें डाला। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया, ये जिनका मैंने भी तस्कर, माइकल और ये आबिद बशीर, खुर्रम जुनेद, मरहूम ख्वाजा सुलेमान, भाई आप ज़रा अपने बारे में बताएं। फिर मैंने अपने बारे में बताया, बोला यार इतनी आपको मालूम आते तो हम तो निगार में लिखते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं रफ़ीक माइकल हूँ, मैंने उसको गले लगा, अरे अच्छा आप रफ़ीक माइकल हैं, आबिद बशीर, अच्छा आप आबिद बशीर हैं, क्योंकि पहली दफ़ा तारुफ हुआ। तो उन्होंने, यार शेख साहब आप लिखा करें, तो उनकी तरगीब देने पर, इन साहिबान की तरगीब देने पर, इनकी ईमा पर मैंने आगाज़ किया बदबे निगार से, अच्छी जो हकीकत है, मैंने आगाज़ किया एडिटर की डाक से। और इब्तदाई मेरे बात खतूत ऐसे हैं जो असलम इलियास रशीदी, तो उसमें ब्लॉक में लगाया करते थे, वो बड़ा जो होता था, तो इस तरीके से अच्छा। फिर जो एक तहरीर मेरी ऐसी लगी जिसका उनवान था, जिसका उनवान था, गए थे जो तमाशा देखने वो तमाशा ना हुआ, गए थे जो तमाशा देखने वो तमाशा ना हुआ। हुआ ये कि 2007 में कोई एक प्रोग्राम हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर की नुमाइश थी आर्ट काउंसिल पाकिस्तान के गुलरंग, पुरानी गुलरंग में, तो वहाँ पे एक मुतनाज़ा तस्वीर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी ज़ियाउल हक़ के साथ, तो उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी वाबिला मचाया, तोड़ फोड़ की सब कुछ। तो उस ज़माने के जो मुंतज़मीन थे करता धरता आर्ट काउंसिल के, वो दुम दबा के आगे पीछे हो गए, ये पूरा तमाशा देख रहा था। तो घर जाके फिर उसको मैंने रकम किया अच्छा खासा तहरीरी शक्ल में, असलम भाई को जाके दे दिया, उन्होंने पढ़ा, बोला यार ये ज़बरदस्त, उन्होंने उसको निगार के, हाँ असलम रशीदी भाई को जी जी जाके दे दिया। खुद फर्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उसको सफ़ा नंबर 2 पे लगाया, फिर कहा कि यार आप तो कमाल का लिखते हैं। फिर उस तरीके से वो ये सब सिलसिला शुरू हुआ। तस्वीर जो लगती है ना सर आजकल, इसका क्रेडिट मुझे जाता है। अच्छा, मैंने बोला असलम भाई देखिए ये मजामीन जो लिख रहे हैं इनकी तस्वीर लगाया करें। उन्होंने मेरी बात का भरम रखा और ये गुज़िश्ता 8 सालों से अब तस्वीर लगना शुरू हुई है। तो फिर निगार मेरी नर्सरी है, और मेरा जो पहला मजमून था मकबूल भाई निगार में, वो लगा था 3 अप्रैल 2008 को, और उसको उसका उनवान था बर सगीर पाको हिंद में कव्वाली की इब्तिदा कब और कैसे। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अक्सर साल ऐसे हैं कि लिखने वालों में सब में टॉप पे रहा, और अच्छी खासी मेरी तादाद है, जो शख्सियत हमारे दरमियान हैं उन पे भी लिखा, जो नहीं हैं उन पे भी लिखा, तकारीब का लाइव प्रोग्राम उन पे भी लिखा, बहुत कुछ लिखा, लोगों की बैठकें भी लिखी, निज़ामत भी की, गाने भी गाए, कसौटी भी खिलाई, और ये सिलसिला अभी भी जारी है, लोगों की मोहब्बत है। और इसके साथ साथ निगार के साथ साथ जनाब एसएम शाकिर का और मलिक याकूब नूर साहब का जो अखबार जो दिसंबर 2021 तक तो आता रहा रंगोरूप, उसमें मैंने बाकायदगी से लिखा, तकरीबन 352 मेरे मजामीन रंगरूप के हैं। अच्छा, और टोटल मेरे मजामीन की तादाद जो है वो तकरीबन 1600 के करीब है सर। 1600? हाँ, मैंने जो है वो लाहौर का जो फिल्मी पर्चा उसमें भी लिखा बाकायदा, उसमें भी मेरे तकरीबन 8 मजामीन मेरे शाया हुए। अब वो नहीं, पर्चा वो बंद हो गया काफ़ी अर्सा पहले। इसके अलावा कुछ माहनामे हैं उसमें मैं लिख रहा हूँ, जाविया निगाह है नुसरत मिर्ज़ा साहब का, अनवार अहमद ख़ान का मंदूब है,
और ये जो खुर्रम जुनेद है, ये दोनों मिलके जो निकाल रहे हैं, पहले आफाकी था उसमें भी मैं मुसलसल लिखता रहा, अब वो फूड एंड स्टाइल तो उसमें भी मैं लिख रहा हूँ, तो ये सिलसिला है। लेकिन अब मैंने कुछ अरसे से मौकूफ़ किया हुआ है लिखना, मैं अब यूट्यूब के ऊपर आ गया हूँ। और एक हमारे दोस्त हैं ब्रेडफोर्ड बरतानिया में रहते हैं, बदर नदीर बाबर साहब, तो उनके साथ मैं फिल्मी शख्सियात के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ, जो हयात हैं और जो हयात नहीं हैं। तो उस सिलसिले में 4 प्रोग्राम मैं अब तक कर चुका हूँ, अहमद रूजी साहब के ऊपर 4 पार्ट्स मैंने किए, अभी ताज़ा जो हमने प्रोग्राम किया 1 घंटे का वो सुहेल राना साहब पे किया माशाल्लाह, एक प्रोग्राम हमने किया था नैयर नूर पर, एक प्रोग्राम मैंने किया था पाकिस्तानी फिल्मों में शामिल कौमी और अस्करी नगमात पे। तो ये सिलसिला है, बहुत लिखा है सर मैंने। अच्छा, मैंने सुना है कि जिस तरह आपने भी बात की यूट्यूब के हवाले से, तो हमारा एक बहुत अच्छा शोबिज़ के हवाले से पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया पर PDF के हवाले से एक अखबार शानदार के नाम से, जिसके चीफ एडिटर जनाब वली रईस साहब जी, जी माशाल्लाह, तो उसके लिए भी कुछ आपको लिखने का प्रोग्राम है आपका। वली रईस साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे प्यारे भाई की तरह हैं, और जब भी मुझसे मिलते हैं बड़े पुरतपाक तरीके से मिलते हैं, और इनसे मेरी मुलाकात तो 2006 में हुई थी, 8 पाकिस्तान कराची में, जिस अंग्रेज़ी में एक 2 लफ्ज़ हैं मकबूल भाई, इंस्ट्रूमेंटल टूल, इंस्ट्रूमेंटल टूल, वो ऐसा टूल है कि हर जगह फिट हो जाते हैं, बलोची फिल्में हों और मतलब फिल्म मेकिंग हो, और फिर रईस इंटरटेनमेंट चैनल माशाल्लाह वो चला रहे हैं सब कुछ। और अब जो उन्होंने कुछ अरसे से एक शानदार सोशल मीडिया के ऊपर और पुरबहार और रंगीन, और जो अखबार का नाम रखा शानदार, तो इसमें बामुसम्मा है, जिसमें माशाल्लाह आपकी भी भरपूर सपोर्ट है मेरी इतला के मुताबिक, और आपकी भी तकनीकी मशावरत उसमें शामिल है। तो मेरा मन चाहता है कि अब अभी क्योंकि मैंने कलम को रोका हुआ है, लेकिन ये जो शानदार है आपका, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो मैं ज़रूर इसके लिए लिखूंगा, और ये मेरे लिए मेरा प्राइड होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि शेख साहब ने अभी कुछ वजूहात की बिना पर लिखने से फ़िलहाल परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शानदार के लिए लिखने की उन्होंने हामी भरी है। और वली रईस साहब इसके चीफ एडिटर हैं, और जिस तरह रईस एंटरटेनमेंट के भी वो चीफ हैं, तो हमें उम्मीद है कि शानदार में इनकी खिदमत भी शानदार ही होंगी, और ये शानदार मज़ीद तरक्की करेगा। ये थे हमारे आज के मेहमान और हमाजत शख्सियत के मालिक शेख लियाकत अली साहब, जिनसे अगर बात की जाए तो पूरा दिन गुजर जाएगा और वक्त का एहसास भी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हमें प्रोग्राम अपने वक्त पर ख़त्म करना है। आखिर में मैं चाहूँगा कि ये अपने पसंद का कोई एक नगमा गुनगुनाएं, और मकबूल अहमद दरफत को आप इजाज़त दीजिए। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा